अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो मैं आज तुरई आलू की सब्जी लाई हूँ, तो इसका सालन बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, आप एक बार ट्राई करके देखिए। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हैं, हम तुरई आलू की सालन बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बहुत इजी है और बहुत टेस्टी है, हमारे बेंगलुरु में इस तरह की सालन बनाते हैं, आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। तो मैं इसके लिए ली हूँ प्याज, पंडू, खोतिमिर। तो चलिए, इधर मेरा कुकर गर्म हो रहा है। इधर मेरा कुकर गरम होगा, इसमें तेल डाला लियो, मैं जल्द तेल तो डाल डालू। अभी मैं इसमें मसाले डाल दूँ, तेल में हमें मसाले को अच्छे से कसना है, उसके बाद हमें तुरई आलू डालना। तो दूसरी तरफ देखिए फ्रेंड्स, मैं इधर हरा मसाला पीस रही हूँ, इसके लिए मैं प्याज ली हूँ, लहसुन, तो लहसुन मैं जार में डाल रही हूँ, उसके बाद अदरक, इधर मैं मसाले को भून रही हूँ फ्रेंड्स। तो मेरा मसाला अच्छे से भून चुका है, तो चलिए मैं तरकारी डाल लेती हूँ जल्दी। अभी 5 मिनट तक मैं ये ऐसे तेल में कस लेती हूँ, अच्छे से पका लेती हूँ। और मैं इसमें डाल रही हूँ खोतिमिर, अभी मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। इसका मैं पेस्ट बना रही हूँ। दूसरी तरफ मैं इसमें अभी सूखे मसाले ऐड करने वाली हूँ। सूखे मसाले में वही मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर 2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट, अच्छे से हमें ये सूखे मसाले को इसमें 2 से 3 मिनट तक पका लेना। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरी तुरई अच्छे से ये सूखे मसाले के साथ पक गई है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये हरिया मसाला जो मैं पीसी थी। तो अभी मैं इसे हरिया मसाले में 2 से 3 मिनट तक पका ले छू। आप इस तरह से बना के देखिए फ्रेंड्स, आपको सालन कितना अच्छा लगेगा। आप भी इस सालन को बार बार बनाते रहेंगे, उतना अच्छा दिखता है ये सालन। तो मैं इधर मसाला भून रही हूँ फ्रेंड्स, अच्छे से पका लें, इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ ये जो मेरे जार में मसाला लगा था उसका, उससे हला को उसका ही पानी थोड़ा सा डाल डाली मैं। अभी इसे फिर से मिक्स करती हूँ।
मैं थोड़ी आंच बढ़ा डाल चु स्लो में रख डाली थी मैं गैस, अभी ज़्यादा करियो। अगर मेरे सामने बोलने में कुछ गलत हो रहा तो प्लीज़ फ्रेंड माफ़ करिए मुझे, क्योंकि मैं पहली बार वीडियो मैं अभी वीडियो शूट करना स्टार्ट करी हूँ, तो मेरे से बोलने में कुछ गलत हुआ तो मुझे माफ़ कर डालो। अब दूसरा मसाले के वास्ते मैं इधर पंडू डाल लूँ जार में और इधर नारद, अभी इसका पेस्ट बना चूँ मैं, तब तक ये मेरा मसाला पक रहा तो मैं इधर ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये खोपरा पंडू का पेस्ट मैंने पीस लिया है, अभी मैं इस मसाले में डाल रही हूँ। अब अच्छे से इसे मिक्स कर चूँ फ्रेंड्स, अभी इसे अच्छे से मिक्स करना हमें, इसे भी 5 मिनट तक इस मसालों के साथ पकने छोड़ना। जो इसमें जार में मसाला लगा था अभी इसी का पानी डालूँ फ्रेंड, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी डालूँ मैं पानी की। अगर आपको पानी की क्वांटिटी गाढ़ापन रखना है आपको पानी कम डाल सकती, आपकी मर्जी। तो मैं ये हमें चावल के साथ खाने वाली हूँ इसीलिए मैं पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी हूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा ग्रेवी चाहिए इसीलिए। अगर आपको कम चाहिए तो आप पानी कम डालिए। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बॉईल किए हुए अंडे भी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को अंडे पसंद हैं। अगर आप इसके इस सालन के साथ अंडे डालना है तो आप डालिए, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। तो चलिए मैं अभी इसे सीटी लगा डाल चूँ, 2 सीटी के बाद हमारा सालन पक जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इधर सीटी लगा रही हूँ, दो सीटी के बाद हमारा सालन पक जाता है, अब उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो अभी नहीं ख़त्म हुआ वीडियो फ्रेंड्स, क्योंकि अभी इसका टेस्ट कैसा है मेरे बच्चों से आप को बुलवाऊँगी मैं। तो चलिए देख लीजिए फ्रेंड, मेरी सीटी आ चुकी है, मेरा सालन पक चुका है, देखिए फ्रेंड्स।